हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बेहद अहम खबर आपको बता दें, यूपी में आखिरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई। चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चुनाव चार चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 15 अप्रैल को, दूसरे चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, तीसरे चरण में 26 अप्रैल और चौथे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल की होगी। वहीं चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। आपको बता दें कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कब से आप नामांकन कर सकते हैं। नामांकन 3 अप्रैल से होंगे। हर चरण में नामांकन के लिए 2 दिन रखे गए हैं। दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को होगा। चौथे चरण का नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा। अब आपको बता देते हैं कि पहले चरण में किन जिलों में वोटिंग होगी। पहले चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही। तो वहीं दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ हैं। तीसरे चरण में जिन जिलों में वोटिंग होगी वो हैं शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया। वहीं चौथे चरण की वोटिंग बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू न्यूज़।